हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं इतने सारे ब्लैंकेट का क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी ब्लैंकेट को, फिर हम राउंड कर लेंगे ऐसे। देखिए मैं जिस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी करिएगा। अब हमें क्या करना है, एक कार्टून वाला कपड़ा लिया है, आप कोई भी कपड़ा ले सकती हैं, लेकिन मैं ये गिफ्ट में देने वाली हूँ इसलिए मैंने ये बच्चों को देने के लिए कार्टून वाला लिया है। अब मैं जो ब्लैंकेट राउंड किया है ना उसको कवर करूँगी और जो भी नाप आएगा उससे 1 इंचेस कम कट करूँगी। देखिए यहाँ से मैं कट कर रही हूँ, तो ये हमारा कट हो गया है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी मैं कट कर लूँगी, तो ये हमारा कट हो गया। अब हम ये जो कपड़ा है ना उसका, देखिए यहाँ पे 1 इंचेस कम है ऐसे, तो अब मैं ये कपड़े को साइड में रख दूँगी और ऐसा कपड़े का टुकड़ा लेके उसके ऊपर ये ब्लैंकेट को, देखिए जिस तरीके से मैं रख रही हूँ उसी तरीके से आप रखिए। और फिर राउंड में मार्क करके, देखिए चौक से मैं मार्क कर रही हूँ, तो ये मार्क हमारा हो गया है। अब हम ये राउंड है ना वो कट कर लेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करके भी हम कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कट कर लूंगी। अब देखिए ऐसे दो पार्ट हमारे कट हो जाएंगे ऐसे सर्कल में, देखिए दो पार्ट ऐसे कट हो गए हैं। ये ऊपर का हम नाप ले रहे हैं, सही नाप आया है कि नहीं, तो ये हमारा परफेक्ट नाप आ गया है। अब देखिए जो हमने पहले पार्ट कट किया था उसके नाप से हमें जिप कटनी है और ऐसे अटैच कर लेना है। अब हम प्रेस स्टिच कर देंगे, तो यहाँ भी हमारी प्रेस स्टिच हो गई है। अब हमें दूसरी साइड का जो पार्ट है उसे लेना है और ऐसे जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अच्छे से दूसरा पार्ट भी जुड़ गया है। अब हम दोनों जिप को ओपन करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा प्रेस स्टिच हो गया है दोनों साइड। अब हमें सर्कल लेना है, जो दो सर्कल हमने कट किए थे ना उसको, और अब रनर को हम जिप के अंदर डाल देंगे। और अब हम उल्टा कर देंगे ये पार्ट और ऐसे हमें रखना है सर्कल के ऊपर और पूरे राउंड में हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए धीरे धीरे से हमें स्टिच करना है, अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा अच्छे से स्टिच हो रहा है और पूरे राउंड में हमारा परफेक्ट नाप आ गया है। अब उसी तरीके से हमें दूसरा सर्कल भी अटैच करना है। देखिए मैंने दूसरा भी अटैच कर लिया है। अब हम इस कवर को सीधा कर लेंगे। अब हमने जो ब्लैंकेट बनाया था ना जो राउंड में, उसे इसके अंदर इन करना है। और ये गिफ्ट, बच्चों को गिफ्ट में मैं ये देने वाली हूँ, तो थोड़ी सी चॉकलेटें मैं उसके अंदर डाल रही हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ब्लैंकेट को इन कर दिया है और अब मैं ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेटें और डाल दूंगी और इसे पैक कर दूंगी। अब मैं ये जो गिफ्ट पेपर पैकिंग की जो रिबिन है वो उसके ऊपर बांध दूंगी। यहाँ पे मैं इसे उसी के नाप से कट करके थोड़ी एक्स्ट्रा कट करके नॉट लगा दूंगी। ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ दो रिबिने कट कर दूंगी दोनों साइड। और दोस्तों ये जो मैं गिफ्ट है ना वो बच्चों को देने वाली हूँ, तो मैं इसमें चॉकलेट डाल रही हूँ। और इस तरीके से आप अगर कवर बनाते हैं तो आप डेली अगर ब्लैंकेट को फोल्ड करके ऐसे रखेंगे तो अच्छा सा तकिया सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, तो ये कहीं पे हमें दिक्कत भी नहीं होती और बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। और फिर रात में हम खोल के ओढ़ भी सकते हैं। तो देखिए मैंने ये इतने सारे पैकेट इसमें डाल रही हूँ और ये कवर भी मैंने बना दिए हैं। तो ऐसे दूसरे में भी मैं रिबिन का नोट लगा रही हूँ और ये हमारा कवर भी रेडी हो गया है।
और सब में मैं चॉकलेट डाल के अच्छे से पैक कर रही हूँ। तो देखिए चॉकलेट मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाए, और मैंने ये सब ब्लैंकेट बच्चे को दिया है ताकि जब भी वो उठे तो उसको याद आए कि उसकी मासी बुआ जब कोई भी है वो उसने ऐसे गिफ्ट में दिया है। मैं अपने भांजे और भतीजे को ये दे रही हूँ गिफ्ट में। तो ऐसे मैंने 4 बनाए हैं। और आप किसी को भी ऐसे गिफ्ट में दे सकते हैं ऐसे बना के। और देखिए यहाँ पे हम ऐसा कवर बनाया है तो पीछे से भी सबको काम आएगा और यूज भी अच्छे से होगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से कवर बनाया है घर पे। और ये तकिए के तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए सारे मेरे इस तरीके से मैंने बांध दिए हैं और सारे हमारे पैक हो गए हैं। और देखिए इतने सारे मैंने बना दिए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।